देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, लिमिट x टेंस टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करके अगर देखेंगे तो 0 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 यानी कि सी प्लस बी प्लस ए आएगा जो 0 नहीं है दिया है। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी अपॉन सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस बी प्लस ए, तो ये आ जाएगा आपका 1। बिल्कुल आसान था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया। हमने बताया कि हम हर जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो पाए। लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होता है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो मुझे लगता है यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ ये दिया है माइनस 2, लिमिट है माइनस 2। तो अब हमारा जो आसान था काम वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। डिनोमिनेटर 0 होगा तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अब फैक्टराइजेशन देखो करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2x और ये हो जाएंगे 2x एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2x, तो यहाँ पर हम तो फैक्टराइजेशन करते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ, तो हमने एलसीएम लिया, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 2 और 1 अपॉन, यहाँ हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2x और ये x से x कैंसिल, 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x आएगा और अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 2 बन, ये आएंगे 2 प्लस एक्स यहाँ और ये आ जाएगा इसके साथ में, यानी कि एक्स प्लस 2 और 2x ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 2 और ये है 1 अपॉन 2x, तो लिमिट पुट करते हैं तो 1 अपॉन माइनस 2 इंटू 2 यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ भी हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाया, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन किया, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। देखते हैं 13th क्वेश्चन। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया, ना हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन ना फैक्टराइजेशन, यहाँ हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा बी नो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्म में ये होता तो हम 1 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ए एक्स है और यहाँ बी एक्स है, अगर यहाँ भी ए एक्स आ जाए और यहाँ पर ए एक्स हो जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे।
तो हम इसे लिखते हैं, ये देखो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको तो हम बाहर ले लेते हैं वन अपॉन वी, और ये लिमिट जब एक्स टेंस टू जीरो है तो एक्स को हम किससे भी मल्टीप्लाई चाहे जिससे कर दें जीरो ही होगा, तो हमें यहाँ ए एक्स वाला फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ ए एक्स लिख सकते हैं लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो, जब x टेंस टू जीरो होगा तो 4x भी जीरो होगा, 8x भी जीरो होगा, 7x भी जीरो होगा, इनकी कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर दें वो जीरो ही होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं, ये रहा हमारा साइन x ए एक्स और अपोन है ये a, वो सॉरी x, b तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ a से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और a से कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा इतने में, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वन, तो ये आ जाएगा a अपॉन b इंटू वन इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू वन, ये इस फॉर्म में था नहीं तो हमने इसे करने के लिए a से मल्टीप्लाइड और a से डिवाइड कर दिया, तो अब ये आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x के फॉर्म में, तो ये वैल्यू आ गई इसकी a अपॉन b। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन ऐसी टाइप का, ये दिया लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ a और b नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा, तो क्या करते हैं यहाँ ए एक्स से डिवाइड कर दें दोनों, हम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं ए एक्स से, तो पहले तो हम इसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू जीरो साइन बी एक्स। अब हमें वो फॉर्मूला बनाना है, तो इसे डिवाइड करना हुआ ए एक्स से, तो मल्टीप्लाइड भी हम करेंगे ए एक्स से, तो यहाँ हम करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और मल्टी डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाइड भी कर दिया ए एक्स से, अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन बी एक्स डिवाइड किया है बी एक्स से तो मल्टीप्लाइड भी कर दिया बी एक्स से। अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू जीरो है, हमें लानी है ए एक्स में, तो जब बताया था कि x टेंस टू जीरो होगा तो ए एक्स टेंस टू भी जीरो होगा, तो यहाँ हम ए एक्स कर देते हैं। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ बनेगा वन का, ये हो जाएगा वन इतना और ये भी हो जाएगा वन, तो बन बचेगा आपका ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो यहाँ लिख सकते हो ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी ए अपॉन बी। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो पाई माइनस पाई जीरो होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला, तो ये जो एक्स टेंस टू पाई है तो अगर हम पाई माइनस एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस एक्स टेंस टू होगा जीरो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट
पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो। समझ लो एक बार, अगर x को राइट में भेजेंगे तो ये प्लस x होगा, यानी कि x टेंस टू पाई या पाई टेंस टू x। और यहाँ पर ये हम लेफ्ट में ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है वन अपॉन पाई, और ये बचा आपका साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x। अब ये देखो फॉर्मूला आपका बन गया, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x, यानी कि इसकी वैल्यू होती है वन, तो वन अपॉन पाई इंटू वन, यानी कि वैल्यू आ जाएगी इसकी वन अपॉन पाई। 16th क्वेश्चन देखते हैं, दिया है लिमिट कॉस एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो यहाँ हम अगर जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो पाई माइनस जीरो पाई होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो पाएगा, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो वन अपॉन पाई, तो ये भी आ गया आपका वन अपॉन पाई।